जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ई ज्ञान वाला चैनल पर। दोस्तों आज जो है आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि आज से जो है हम हिंदी व्याकरण की क्लासेस को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो हिंदी व्याकरण है दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें कि हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। क्योंकि हम जो है इन वीडियो को इस तरह से जो है डिज़ाइन करेंगे ताकि जो है केवल मेन पॉइंट ही वीडियो में इंक्लूड हो, बाकी जो है इधर उधर की बातें ना हो। तो इसी कड़ी को जारी करते हुए आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वह है संज्ञा और उसके प्रकार। इसकी जो है दोस्तों एक अलग से प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ हिंदी व्याकरण के नाम से। तो बात करते हैं हम आज संज्ञा और उसके प्रकार के बारे में, जो कि हमारा पहला चैप्टर होने वाला है। उम्मीद यही होगी, कोशिश यही होगी कि ये जो है चैप्टर आपको अच्छे समझ आ जाए और आप जो है एक अच्छा फीडबैक दें हमें इस वीडियो को लेकर। तो सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं संज्ञा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ नाउन। तो बात करते हैं संज्ञा क्या है, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों संज्ञा वह शब्द है जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का नाम दर्शाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि राधा किसी व्यक्ति का नाम हो गया, पुस्तक किसी वस्तु का नाम हो गया, प्यार किसी भाव का नाम हो गया और शहर किसी स्थान का नाम हो गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है संज्ञा है। उम्मीद करता हूँ कि संज्ञा की परिभाषा जो है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी अच्छे से। अब आगे चलते हैं हम, इसको बात करते हैं संज्ञा और उसके भेद के बारे में। तो संज्ञा के भेद जो है दोस्तों तीन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कहीं कहीं जो है पाँच भी दिए हुए होते हैं, पांच जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक को मिलाकर होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली आधुनिक हिंदी है उसमें जो संज्ञा के भेद हैं वे आपके तीन हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। क्योंकि जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा में ही इंक्लूड कर दिया गया है वर्तमान में। तो संज्ञा के भेद कितने हैं, तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है वो आपका जातिवाचक के ही पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो संज्ञा के भेद भी जो है आपने अच्छे से कर लिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम संज्ञा के प्रकार के बारे में, हम डिटेल में जानेंगे इसको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉपर मतलब किसी खास के बारे में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है यह संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना का नाम बताती है। इसे हम जो है खास नाम से भी या खास नाम भी कह सकते हैं, और यह हमेशा जो है एक विशेष वस्तु या व्यक्ति के लिए ही उपयोग होती है, यह भी आपको याद रखनी है। जैसे कि उदाहरण महात्मा गांधी, ये विशेष है, व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। दिल्ली विशेष है, एक ही है, इसके बारे में हो रही है। ताजमहल एक है, विशेष है, ये भी व्यक्तिवाचक में आएगा। भारत पूरी दुनिया में एक ही है, विशेष है, तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा प्रॉपर नाउन में। ये कह लीजिए जब किसी एक विशेष वस्तु के ही बारे में बात हो तो यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। यहाँ पर आप थोड़ा इस वह समझ लीजिए कि अगर बात हो भारत क्या है, भारत एक देश है, अगर देश के बारे में पूछा जाए तो देश क्या है, देश आपका जो होगा वो जातिवाचक होगा, क्योंकि देश जो है बहुत सारे हैं। जब सिंगुलर चीज़ की बात होगी मोस्टली, तो वहाँ आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, प्रॉपर नाउन होगा। तो देश क्या है, देश बहुत सारे होते हैं, 195 के लगभग देश हैं आपके,
कोई से भी हो सकता है, तो ये क्या होगा जातिवाचक, और जो भारत है वो केवल एक ही है, तो इस वजह से ये व्यक्तिवाचक हो गया। ताजमहल पूरी दुनिया में एक है, तो ये भी व्यक्तिवाचक में आ गया। दिल्ली भारत में सिर्फ एक ही है और दिल्ली नहीं है, तो ये भी जो है व्यक्तिवाचक में आएगी। महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वे भी एक ही हैं, उनके जैसा दूसरा ही नहीं, तो ये भी जो है किस में आया, व्यक्तिवाचक में। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है, किसी खास के बारे में जानना। अब आता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि हमने भी बताया। तो जातिवाचक संज्ञा है वह किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग के नाम बताती है। अभी हमने क्या बताया व्यक्तिवाचक में, किसी एक खास व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम जब आए तो उसको हम व्यक्तिवाचक बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है जातिवाचक में, पूरी कैटेगरी का नाम, मतलब पूरी कैटेगरी क्लासेस का ही वर्णन किया जाता है जातिवाचक में। जैसे कि देश क्या है, बहुत सारे देश हैं, तो ये कॉमन नाउन होगा आपका जातिवाचक संज्ञा। इसमें जो है किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं होता है, बल्कि एक पूरी श्रेणी का नाम होता है। जैसे कि आप ये समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर, लड़का है, अगर हम ये कहें वह लड़का है, तो इसमें क्या होगा, लड़का एक जातिवाचक होगा। अगर हम कहेंगे वह राजू है, तो हमने जो है क्या कहा, नाम लिया, तो नाम किस में आया, व्यक्तिवाचक में, खास नाम। ऐसे ही शहर, बहुत सारे शहर हो सकते हैं, ये भी जातिवाचक संज्ञा में। फूल, बहुत सारे फूल हो सकते हैं। पुस्तक, बहुत सारी पुस्तक हो सकती है, तो ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। आप यार छोटी सी बात को इसमें ये समझ लीजिए मोटी मोटी, कि जब भी जो है किसी बहुवचन चीज़ के बारे में जिक्र होगा तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा होगा, अगर सिंगुलर का होगा एक वचन का, वहाँ जो है आपका व्यक्तिवाचक होगा। नेक्स्ट है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के भेद। जैसे कि अभी हमने बताया था आपको कि जातिवाचक जो है दो भेद होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। हालांकि पहले ये अलग थे दोनों, लेकिन अब जो है जातिवाचक संज्ञा में इनको इंक्लूड कर दिया गया है। तो बात करते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो, द्रव्य मतलब पदार्थ का, मेटेरियल का, वह द्रव्य, ये द्रव्य जो द्रव नहीं है, एक होता है द्रव, एक द्रव होता है लिक्विड, ये द्रव्य है। द्रव्य में जो है जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, तेल, ये सभी कई चीज़ें हैं द्रव्यवाचक, मतलब द्रव्य। तो जब भी जो है किसी वस्तु के बारे में जिक्र होगा, किसी द्रव्य का जिक्र होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये द्रव होता है आपका लिक्विड, और ये वाला द्रव्य होता है आपका मटेरियल। तो जहाँ भी किसी मटेरियल का बोध हो, वहाँ आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, जो कि जातिवाचक संज्ञा का एक भेद है। नेक्स्ट है दोस्तों समूहवाचक संज्ञा, जो कि जातिवाचक संज्ञा का ही दूसरा भेद है। और समूहवाचक क्या होता है, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह, जैसे नाम से पता चल रहा है, जब जो है ग्रुप के बारे में, यानी बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो, तो वहाँ पर जो है समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे परिवार, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। कक्षा, बहुत सारे बच्चे होते हैं। सेना, बहुत सारे सिपाही होते हैं। भीड़, बहुत सारे लोग होते हैं भीड़ में। पुलिस, बहुत सारे पुलिसकर्मी होते हैं। तो ये कैसे हैं समूहवाचक, जहाँ पर जो है समूह के बारे में बात हो, वहाँ समूहवाचक संज्ञा होती है। तो ये भी जो है, उम्मीद करूँगा कि ये भी जो है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें जातिवाचक संज्ञा के जो भेद हैं उन्हें समझने में कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, जो कि हमारी तीसरी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भाववाचक संज्ञा है, पहले हम नॉर्मली समझ लेते हैं, जब भी कोई फीलिंग के बारे में बात होगी ना, तो इसमें जो है भाववाचक संज्ञा होगी आपकी। भाववाचक संज्ञा में जो है दोस्तों उन गुणों, अवस्थाओं,
या भावनाओं का नाम दर्शाया जाता है जो दिखाई नहीं देते बल्कि महसूस किए जाते हैं। इसे हम अमूर्त संज्ञा भी कहते हैं क्योंकि इसे जो है देखा या छुआ नहीं जा सकता। मतलब कि जैसे प्यास हम जो है केवल फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। सुंदरता हम केवल देख सकते हैं, मतलब महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। प्रेम को जो है हम देख नहीं सकते, ये सिर्फ एक फीलिंग होती है, भावना होती है। किसी की ईमानदारी ये भी एक भावना होती है। तो ये कैसी है, सारी भाववाचक संज्ञा है। जब भी किसी भावना का या फीलिंग का जिक्र होगा वहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा आपकी होगी। अब बात करते हैं हम इन संज्ञा का उपयोग जो है कैसे होता है। यूजेज ऑफ नाउन, जो संज्ञा का बात कर रहे हैं पहले, वाक्य में विषय का कार्य है। जो संज्ञा है वो वाक्य में विषय यानी सब्जेक्ट का कार्य करती है। जैसे राम स्कूल जाता है, तो यहाँ पर राम क्या है, संज्ञा है। क्या है राम, संज्ञा। और दूसरा है वाक्य में कर्म का कार्य यानी ऑब्जेक्ट का। जैसे मैंने किताब पढ़ी, तो किताब यहाँ पर क्या है, कर्म है। मतलब किताब को ही पढ़ा ना, तो किताब क्या है, संज्ञा, काम इस पर ही हो रहा है। तीसरा है मौजूदगी का विवरण। जैसे पार्क में बच्चे खेल रहे हैं, तो पार्क, एक तो पार्क हो गया यहाँ पर, और दूसरा हो गया बच्चे। यहाँ पर कितनी संज्ञा है, दो, एक पार्क और दूसरा बच्चे। खेलना होता है क्रिया, खेलना क्या होता है आपका, क्रिया होती है, या हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो हम संज्ञा के बारे में जानते हैं, तो पार्क और बच्चे क्या हैं, आपका संज्ञा होते हैं। किताब ये भी संज्ञा, राम जो राम है वो तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, किताब होगा आपका जातिवाचक संज्ञा, और पार्क भी जो है आपका जातिवाचक संज्ञा में ही आएगा, और बच्चे भी। तो ये था दोस्तों संज्ञा के उपयोग हम कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में जो है दोस्तों इतना ही है। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो जो है आपको कैसी लगी, क्योंकि आपको पता ही है आज चैप्टर फर्स्ट किया है, हो सकता है शाम में ही जो क्लास सेकंड और चैप्टर टू हो सर्वनाम वो भी हम लेकर आ जाएं। तो मोटिवेट करते रहिए, चैनल को जो है ग्रुप में अपने सेंड करते रहिए, शेयर करते रहिए, और वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।